विजय जी आप इधर क्या इधर के लोकल लोगों का दोनों विजय जी वो हमारे जो साथी हैं भाई मंसूर जी और वो कहाँ है डिटेन किया गए खाना खाने नहीं डिटेन किया है देखिए हम लोग जो ज्ञापन देकर आए हैं जिसके लिए आप और हम सब वहां से आजाद मैदान से चलकर यहां तक आए हैं वो ज्ञापन हमने जब हम देने गए तो जॉइंट इलेक्शन ऑफिसर वहां पे थी लेडी तो हमने कहा भाई आप तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं नहीं तो हम आपको तो नहीं देंगे वो कहना हमें ही दे दो कि नहीं हम देंगे उनको जो हेड है तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो हेड उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट कीजिए हम लोगों को इसीलिए टाइम लग गया जब वो आए तब हमने उनको अपना ये ज्ञापन दिया ये ज्ञापन और इसके साथ जो 1,00,000 गोवा के लोगों ने सिग्नेचर किए हुए हैं वो भी हमने उसकी कॉपी उनके साथ में दी ये उन्होंने यहाँ पे जोरदार तालियां गोवा की जनता को जोरदार तालियां जो 1,00,000 लोगों ने साइन करके आज ज्ञापन जो है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ जमा कराया ये पहली बार है कि किसी स्टेट के 1,00,000 जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सिग्नेचर करके कोई ज्ञापन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू इलेक्टोरल ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पहुंचाया है ये पहली बार है तो गोवा के लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली ये बाकायदा उन्होंने रिसीव करके दिया है इस पे एंट्री नंबर है EN नंबर 7668 ऑब्लिक सी ये दिया है और आज की डेट L और आज की डेट है 4/3/2024 मोहर लगा के दी और मैं समझता हूँ आगे की जो सारी चीजें हैं रामा भाई आपको कोंकणी भाषा में बढ़िया तरीके से समझाएंगे प्लीज 11,00,000 1,00,000 लोकानी ऑलरेडी सिग्नेचर मानलेले असत गावांनी आम्ही अजूनपर्यंत पावले ना तरी सुद्धा 1,00,000 म्हणजे 10.25% ऑफ द ऑब्जेक्टेड बाय ईव्हीएम लक्षात घ्या 1999 सगळ्यात पहिली इंडियन तर ईव्हीएम इम्प्लिमेंटेशन झाला जाल्यार ते गोयांत झाला आणि सगळ्यात पहिली तर बंद जातले 1,00,000 घेऊची गरज असा आमका काही लोकांनी त्यांचं पोलिसांनी इन्स्ट्रक्शन आयल्या प्रमाणे पोलिसांक हांव म्हणटा की तांकां जे इन्स्ट्रक्शन येता पळय त्याच्या प्रमाणे ते हँडल करता आज आम्ही आझाद मैदानाच्या इंडसून हांगा वयर आयले जाणटी बायलां जाणटे मनीस सगळ्यांक पहिली हांव तांकां थँक्यू म्हणटा कित्याक लागून 70 years वॉकिंग डाऊन फॉर 3 kilometers फ्रॉम आझाद मैदान टू इलेक्शन कमिशन फॉर जोगनी फॉर जोगनी दिस इज पॉवर ऑफ गोवन आणि लक्षात घ्या जरी तर आम्ही 4 kilometers चरपाक रेडी असत जाल्यार आमचे यंगस्टर्स हांगा उलो मारतात आम्ही गोयांत 2 seats धरी आसले जाल्यार गोयांत VVPADAR ईव्हीएम मशीनाचेर आम्ही करून दिवचो ना आम्ही बॅलटाचेरूच करून घेतले एक बात देखिए जैसे इसमें पूरे प्रदर्शन में लेडीज पुलिस नहीं थी जो होनी चाहिए जब हमारे साथ में इतनी बड़ी संख्या में लेडीज हैं ये बात भी मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कहा है कि आप बीइंग सीनियर ऑफिसर आप इस बात को कहिए आप कि भाई इस तरह से नहीं हो और जिस तरह से हमारी एक महिला साथी जो है उनके साथ में जो थोड़ी सी बात हुई है उसके लिए भी हमने उनको बोला है और जो हमारे साथी हैं जिनके साथ में ये कपड़े जो इनके बटन वगैरह सारे फट गए हैं और एक जो व्यक्ति है जो प्राइवेट उसमें था पता नहीं RSS का आदमी था या कौन था जो भी था वो उसके विषय में भी हमने उन्हें कहा है उन्होंने हमें उन्होंने कहा है कि ठीक है आप इसके विषय में कंप्लेंट करें आप क्या लीगल राइट है वो तो हम लोगों के जैसे करना है वो देखेंगे बट इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम आपका ये जो ज्ञापन है बाकायदा राष्ट्रपति को पहुंचाएंगे जो भी इसके लिए जो भी किया जा सकता है हम लोग करेंगे तो बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड है सब कुछ ठीक है अब मैं आखिर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है
कि यहाँ पुलिस के जितने भी साथी हैं, गोवा पुलिस के जितने भी साथी हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक डीसीपी भी साथ में है, डीसीपी हैं, एसीपी हैं और जो इंस्पेक्टर भी हैं मिस्टर विजय हैं और साथ में आप मिस्टर संकेत और जितने भी पुलिस के कांस्टेबल साथी हैं, सब लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली पुलिस होते तो पता नहीं क्या करते, पर ये आप लोगों ने जिस तरीके से मतलब इस सारे लोग वहां से आए हैं, आपको सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे साथियों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी साथी हैं जो यहाँ तक आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मीडिया और मीडिया के साथ, थैंक यू मीडिया के साथी, क्योंकि